गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। धूप कितनी ज़्यादा है अभी, अब सही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, कल रात को हम गुलमर्ग आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले देख लो, तो उस वीडियो की लिंक अभी आई बटन पे आ रही होगी, तो ज़रूर वो वीडियो भी चेक करना। तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 8:10 और मैं जस्ट उठा नींद से। आज रात को मैं उतना नहीं सोया बिकॉज हम बहुत सारे फ्रेंड्स थे और थोड़ा सा हम एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज, मैं आज जल्दी उठा और फ्रेश हो गया जल्दी से और सोचा आपको गुलमर्ग में मॉर्निंग का सीन दिखाता हूँ। ये पीछे आप चेक करिए सीन, सारे पैसे इस सीन के हैं। ये व्यू मिलता है आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में गुलमर्ग में, तो सारे पैसे इस व्यू के हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक पे जाता हूँ और आज दिन में गुलमर्ग एक्सप्लोर करेंगे। आपको सबसे ज्यादा गुलमर्ग में क्या देखने को मिलता है वो ये है। हॉर्सेज ही हॉर्सेज है यहाँ पे। तो ये चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मॉर्निंग में यहाँ पे, फिर उसके बाद आके चाय पियेंगे। अभी तो मेरे फ्रेंड सारे सोए हुए हैं, वो जब तक उठेंगे तब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद चाय पियेंगे। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे स्टैंड है टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ पार्क होती है, आई मीन टैक्सी एक्स्ट्रा। तो यहीं पे बिल्कुल वो देख रहे हो, वो पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अपोजिट हमने बाइक्स रखी थी ताकि ज़्यादा सेफ रहे। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है अपनी बाइक्स। तो बाइक्स तो सही सलामत है, अभी पुलिस स्टेशन की अपोजिट थी ये। अभी मुझे डिसाइड नहीं हो रहा है मैं यहाँ से जाऊँ या फिर यहाँ से जाऊँ। आई थिंक यहाँ से बेटर रहेगा। बहुत डिफरेंट फील हो रहा है, आई होप मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ होते, बट वो शायद सो रहे हैं अभी, अभी फ्रेश नहीं हुए। नींद भी बहुत ही अजीब चीज है ना, जब आनी होती है तब नहीं आती है और जब नहीं आनी होती है तब बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पे टेंट एक लगा हुआ है, बट आप ये चेक करें, जब टेंट से निकलते होंगे और ऐसा व्यू होगा, क्या कहने इस व्यू के। अभी खाया पिया कुछ नहीं है मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा लो टोन है मेरी, एडजस्ट कर लेना, बाद में चिल्ला के व्लॉग करूंगा। तो ये जो वहाँ पे टेंट में बंदे थे एक दो, ये भाई पंजाब से आए थे यहाँ पे और टेंट साथ में लाया था। अभी फिलहाल मैं सेंटर में ऑलमोस्ट आ गया हूँ, यहाँ से अब सीन चेक करें। तो जी यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड्स मिले हैं कर्नाटक से, है ना भाई? जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल मुकीम। और आपको भाई? जमील। बहुत ही बढ़िया बंदे हैं यार, अभी तक कन्वर्सेशन कर रहा था मैं इनके साथ, बहुत ही अच्छा फील हुआ। इनको आज करना है वापस, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कभी अगर किस्मत में होगा। चला जरूर, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी फिलहाल 5-10 मिनट ये ब्यूटीफुल सीन में एंजॉय करने वाला हूँ और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद चाय के टाइम पे। सी यू गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हमें यहाँ लोकल से पता चला कि यहाँ पे नज़दीक में ही 5-8 किलोमीटर दूर है एक डेस्टिनेशन जिसका नाम है बूटामर्ग है शायद, बोल रहे हैं वो डेस्टिनेशन काफ़ी बढ़िया है, तो वहाँ जाएंगे। तो अभी हम निकले उसी की तरफ, रोड यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं बूटामर्ग कभी नहीं गया हूँ, तो लोकल से ही पता चला कि वो डेस्टिनेशन काफ़ी सही है, चलते हैं। भाई यहाँ से तो आगे कैंप है, पता नहीं छोड़ेंगे भी या नहीं। बूटा पथरी जाना है सर। A few minutes later. तो
तो जी यहाँ से तो आर्मी ऑफिसर्स ने बोला कि यहाँ से अलाउड नहीं है, बूटा पथरी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर था, बट बोल रहे हैं कि 5-10 दिन हो गए बंद किए हुए और यहाँ से अलाउड नहीं है, तो हमें अब यहाँ से वापस फेरना पड़ रहा है। यहाँ से जा सकते हैं हम फिर तो जी यहाँ से अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए, बिकॉज बूटा पथरी तो जाने नहीं दिया। गुलमर्ग में आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसी क्वाड बाइक्स मिलेंगी, यहाँ पे क्वाड बाइक्स बहुत ही चलती है स्नो में भी। ओ भाई साहब क्या एक्सट्रीम ट्रायल थी यार। ओ यहाँ से रोड अपना ख़त्म और यहीं तक, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करेंगे भाई। अरे यार ये देखो भाई, ये देख लो यार। हाँ जी कहाँ से चल रहा है यार, सीधे चलना, इतना अच्छा तो रोड है। यहाँ से चढ़ जाऊँ क्या? ओ भाई बस वो फंस गया भाई वहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ से चढ़ सकते हैं क्या। यहाँ से सारी जमीन गीली है, ये बोल रहा है मैं ही उतारूंगा, तुझे नहीं आता है तो देखेंगे ही उतारेगा। तो जी अभी राइड करने वाला हूँ मैं ड्यूक 390 2022, तो इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं गुलमर्ग गंडोला के साइड से। चलो जी तो जी ड्यूक 390 के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इस ड्यूक 390 में लगता है वो ये है इसका TFT स्क्रीन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी इस पर दिखती है। बाकी रही बात इसकी पावर की, उसके क्या कहने हैं, थोड़ी सी हाईलाइट्स तो मैं दिखा ही सकता हूँ आपको इसके पावर की। तो यहाँ से एंटर होना पड़ता है गंडोला वाली साइड से। ओ भाई साहब इसकी टॉप स्पीड किसी और दिन करेंगे चेक, बट थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ मैं। ओ सेकंड गियर, थर्ड गियर में 95 तक पहुँची है ये और सेकंड गियर में 77 तक। भाई साहब क्रेजी मशीन है, क्रेजी मशीन। गुलमर्ग में मुझे लगता है लोग सबसे ज़्यादा गंडोला के लिए आते हैं, तो गंडोला भी अच्छी खासी चीज़ है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है तो एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं विंटर में आया था पिछले साल यहाँ पे, बट विंटर के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट लगता है ये समर में। तो ये है जी साइड जहाँ पे आप गंडोला राइड कर सकते हो। अभी हम गंडोला राइड क्यों नहीं कर रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, मैं जब पिछले साल आया था यहाँ पे तो वहाँ पे ऑफलाइन भी टिकट निकाल सकते थे, बट यहाँ हमें सुबह सुबह आज पता चला कि ऑफलाइन आज टिकट होती ही नहीं है, आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। उस साइड से आप अंदर जा सकते हैं और ये एग्जिट है, और यहाँ से अंदर वहाँ पे देखो लाइन कितनी ज़्यादा बड़ी है, भीड़ कितनी है, वहाँ पे आज सिर्फ ऑनलाइन होती है टिकट। और अगर आपको गंडोला को चढ़ना है तो आप 1-2 दिन पहले ही निकाल के रखो, ऑफलाइन मिलती ही नहीं है यहाँ पे आज। यहाँ से देंगे अंदर, कुछ ट्रेल मत मिलेगा हमें अच्छी खासी कोई। ड्यूक 390 का पिकअप क्या है भाई, अमेजिंग यार, आउट ऑफ द बॉक्स। और जो कॉर्निंग करने में मजा आता है ना इस पे, ड्यूक की 3 चीज़ें मुझे पसंद है, एक इसका TFT स्क्रीन, दूसरा इसका पिकअप और तीसरा इसका कंफर्ट, 10 out of 10। यहाँ से चलते हैं भाई। जब आप फर्स्ट गियर में ऐसे एक्सेलरेट करते हो ना तो लिटरली आपको फील होता है कि अगले वाला टायर जो फ्रंट टायर है वो हवा में चला जाता है। हम देख रहे हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, गुलमर्ग को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको विंटर्स में यही गाड़ियाँ मिलेंगी जिप्सी, बिकॉज ये 4x4 है, तो बस यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है जाने के अंदर। यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे फ्रंट वाले टायर में ना अपनी IRC में थोड़ा सा हवा कम है, इसलिए मैं डर रहा हूँ यहाँ से चलने में। यहाँ पे गुलमर्ग में कोई टायर वाला भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन कच्चे रोड्स पे नहीं चलना चाहता आज। तो जी यहाँ से अंदर से भी आपको होटल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ से मेन रोड है आगे, आप देख सकते हो डायरेक्ट गंडोला चल रहे हैं, ऐसे सीधे होके ऊपर माउंटेन तक जाते हैं। तो चलो फिर निकलते हैं, आ जा भाई। तो जीशान बोल रहा है कि मैं थक गया इस बाइक पे, क्योंकि जब ऐसे अचानक से इस पोस्चर की बाइक मिलती है तो फिर ऑब्वियसली बात है 10-20 मिनट बहुत पेन होती है रिस्ट में और बैक में भी थोड़ी सी। तो जी निकल रहे हैं हम गुलमर्ग से, क्या सीन है यहाँ से यार।
ओके ऑल द बेस्ट। ऐसे राइडर्स मिलके ना दिल खुश हो जाता है भाई, दिल्ली से आया है बंदा। और अभी हम रुके हुए हैं जस्ट टू स्वाइप द बाइक्स बिकॉज जीशान बहुत थक गया आरसी पे, तो ये अब 250 चलाने वाला है। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये गुलमर्ग का एक्सप्लोरेशन वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आगे भी एक और व्लॉग आएगा जो इस व्लॉग के साथ कंटिन्यू करेंगे हम। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड बिकॉज काफी बड़ा फिर वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।